डियर स्टूडेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्राइसिस एंड पॉवर्टी, के जब भी दुनिया के किसी भी रीजन में क्राइसिस आता है, वो नेचुरल हो सकता है, वो मैनमेड हो सकता है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, तो उससे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो वेलफेयर शॉक पे होता है। उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका कंजम्पशन पैटर्न पे होता है। उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे होता है। और अगर कंजम्पशन में शॉक आ रहा है, इनकम में शॉक आ रहा है, या एम्प्लॉयमेंट में शॉक आ रहा है, ये तीनों शॉक अल्टीमेटली आपकी वेलफेयर में इंडक्ट होते हैं कि आपकी उससे वेलफेयर कम हो जाती है। जब आपकी इनकम कम होती है तो आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। जिस वक्त आपके कंजम्पशन में शॉक आता है तो आपकी कैलोरी इनटेक जो आप कर रहे होते हैं उसकी अमाउंट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जिस वक्त आपकी एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में या कोई भी और अपॉर्चुनिटीज़ में शॉक आता है तो आपके पास लिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे इनकम कम हो जाती है। और जब इनकम कम होती है तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आप एजुकेशन को लीस्ट प्रायोरिटी में ले आते हैं। सबसे पहले लोग जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, इनकम में कट लगाना होता है, तो सबसे पहले जिसमें कंजम्पशन हम कम करते हैं डेट्स एजुकेशन, डेट्स ऑन लीस्ट प्रायोरिटी स्पेसिफिकली इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। नंबर टू, हम हेल्थ में कट लगा लेते हैं, देन हम एंटरटेनमेंट में कट लगा देते हैं। इसकी एक प्रायोरिटीज हर बंदे की होती है, जो एजुकेटेड होते हैं उनकी प्रायोरिटीज और होती हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं उनकी प्रायोरिटीज और होती हैं। रूरल एरिया में लोगों की प्रायोरिटीज और होती हैं, अर्बन एरियाज में लोगों की प्रायोरिटीज और होती हैं। इस तरह दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस आता है उससे लोगों की वेलफेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है, उससे वेलबींग पे इम्पैक्ट पड़ता है, उससे लोगों की पॉवर्टी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उससे इनइक्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और अपॉर्चुनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और दुनिया में डिफरेंट फाइनेंशियल क्राइसिस, लाइक 2008 का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उससे अगर पहले देखें तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सामने है। इसी तरह आप इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपको 1929 का ग्रेट डिप्रेशन भी याद होगा। इसके अलावा छोटे छोटे क्राइसिस विद द पैसेज ऑफ टाइम चलते रहते हैं, जिनसे कभी इन्फ्लेशन शूट कर जाता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट शूट कर जाती है, कभी इसी तरह नेचुरल डिजास्टर की वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। तो ये सारे जो हैं लोगों की वेलबींग में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हैं विद रेफरेंस टू पॉवर्टी, के व्हाट हैपेंड विद पॉवर्टी इन 1997 एंड 1998 फाइनेंशियल क्राइसिस, उस फाइनेंशियल क्राइसिस ने दो पर्सपेक्टिव से लोगों को डिस्टर्ब किया। नंबर वन, के एक्सचेंज रेट चेंज होने से जो बैंकिंग से लोगों ने क्रेडिट की अपॉर्चुनिटीज अवेल की हुई थी उससे एंटरप्राइज डेवलपमेंट का जो कल्चर था वो सारा डिस्टर्ब हुआ, और एंटरप्राइज के कल्चर डिस्टर्ब होने से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो लिमिटेड हुई, लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हुए। और जब अनएम्प्लॉयड, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि चैनल, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, इनकम कम होती है, कंजम्पशन कम होती है, वेलफेयर कम होती है, जिससे लोग आउट ऑफ पॉवर्टी जो लोग थे वो इन पॉवर्टी हो जाते हैं, पीपल मूव कर जाते हैं फ्राम नॉन पुअर सेगमेंट टू पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक टाइम पीरियड में वो नॉन पुअर थे, जो ही क्राइसिस आया उसकी वजह से वो पॉवर्टी के उसमें रीजन में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह जिस वक्त आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है उससे जो आपकी क्रेडिट की ऑप्शंस होती हैं, जो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो स्किल डेवलपमेंट होती हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज स्टॉप हो जाती हैं, जिससे अगेन आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। इस तरह जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसने एकदम से आपकी हिट किया एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट से आपकी इनकम को हिट हुई, इनकम से आपका वेलफेयर हिट हुई, जिससे उसमें पॉवर्टी का नंबर चेंज हो गया। अब पॉवर्टी का नंबर कितना चेंज हुआ ड्यू टू दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, वी विल हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।